हे गाइस, पूजा किचन्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कप चावल ले लिया है और चावलों को मैंने 2 से 3 बार पानी में धो लिया था। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन का पुलाव। तो यहाँ मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो के रख लिया था। तो ये मैंने भिगा के रखा था तो अब ये फूल गए हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए प्याज को लंबा लंबा चॉप किया है और ग्रीन मिर्च को भी मैंने रफली चॉप किया है, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं वो उसे निकाल सके अलग से। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू लिया था और उसे कट कर लिया है मैंने। और इधर मैंने टमाटर को भी मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। तो आज जो हम पुलाव बनाएंगे ना, वो बहुत जल्दी बनने वाला पुलाव है। और 5 मिनट में अगर आपको जैसे भूख लग रही है, कोई मतलब ऐसा है कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, आपको कुछ अर्जेंटली बनाना है, तो अभी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसी में ही 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच किचन किंग पाउडर लिया है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे कि हमारा जो पुलाव है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा देखने में और खाने में भी टेस्टी लगेगा। और मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है। और जो हमने प्याज काट के रखा था और मिर्च काट के रखी थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम इसके साथ डाल देंगे एक ही बाउल में, जिसमें हम मतलब सारी चीज़ें रखेंगे। और जो मैंने आलू को भिगो के रखा था, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और जो टमाटर मैंने एक कद्दूकस करके रखा था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब लास्ट में जो हमने सोयाबीन सोया चंक्स हैं, उनको अच्छे से इसका पानी निचोड़ के इसके साथ ऐड कर लिया है। इसका सारा पानी मैंने स्क्वीज कर लिया है और मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है। तो अब बनाएंगे हम अपना टेस्टी सा पुलाव, जो कि इंस्टेंट बनने वाला एक रेसिपी है। तो हम सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ मैंने कुकर रख दिया है। इस पुलाव को हम कुकर में बनाएंगे और मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब हमारा रिफाइंड ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और जो मैंने बाउल के अंदर सारा बना के रखा था मिक्सचर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम एक बार अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ एक बार घुमाना है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी की क्वांटिटी हमेशा याद रखिए, अगर 1 कप चावल है तो 2 कप पानी डालिए। तो इस क्वांटिटी से आप बनाएंगे तो आपका जो पुलाव है वो गीला भी नहीं बनेगा और अच्छा बनेगा। तो देखिए हमारा जो पुलाव है कितना जल्दी, और कुछ भी मैंने इसमें ना फ्राई किया ना कुछ किया, और बन के रेडी भी हो जाएगा। अब यहाँ मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और सिर्फ इसमें मैं 1 सीटी, क्योंकि मेरे कुकर में, अब मुझे नहीं पता आपका कुकर जो है उसमें कितनी सीटी आती है, लेकिन अब इसमें मैं सिर्फ 1 सीटी में ही पुलाव को बंद कर दूंगी। तो 1 सीटी आ गई है और ये देखिए हमारा पुलाव जो है बन के रेडी हो गया है और देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और मैं आपको दिखाइए सर्व करके दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो अगर आपको भी ये इंस्टेंट पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।